Hi, this is Neeti. Welcome to my channel. The next 5 months of 2024 are going to be really crowded at the box office. ना सिर्फ बॉलीवुड की कुछ मोस्ट अवेटेड फिल्में रिलीज होने वाली हैं बल्कि कई बिग बजट पैन इंडिया फिल्मों पर भी इंडस्ट्री और ऑडियंस की उम्मीद टिकी हुई है. आने वाली फिल्मों की लिस्ट देखें तो ये साल ऑडियंस के लिए काफी एक्साइटिंग होने वाला है, जहां ऑलमोस्ट हर महीने कंटेंट बेस्ड कुछ छोटी कुछ मीडियम बजट फिल्मों के साथ साथ बिग बजट इंटरटेनर्स भी आ रही हैं, विच विल गिव यू सम सिनेमेटिक एक्सपीरियंस. बॉलीवुड की बात करें तो आने वाले महीनों में सीक्वल फिल्मों की लंबी लिस्ट तैयार है. वहीं बॉक्स ऑफिस के लिए द डिपेंडेंस ऑन तेलुगु सिनेमा इज ऑल्सो ह्यूज एंड आई जस्ट होप दैट इन दीज 5 months बॉक्स ऑफिस ब्लॉकबस्टर्स के साथ साथ हमें कुछ बेहतरीन कंटेंट भी देखने को मिले. सो टुडे इन दिस वीडियो लेट्स टेक अ लुक एट द 11 मूवीज आई एम ईगरली वेटिंग फॉर विच विल रिलीज इन द नेक्स्ट 5 months इन 2024. इस लिस्ट में अगर आप किसी फिल्म को ऐड करना चाहते हैं जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है इस साल, प्लीज टेल मी इन द कमेंट्स बिलो. लिस्ट कम्स स्त्री 2, जो 15 अगस्त को रिलीज होने वाली है. नो डाउट दिस हॉरर कॉमेडी इज वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म्स ऑफ द ईयर. अमर कौशिक के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म साल 2018 में आई स्त्री की सीक्वल है. लंबे समय से लोगों को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार था. जब स्त्री रिलीज हुई थी तो यह एक बिल्कुल अलग तरह की फिल्म थी. इसकी कहानी, कैरेक्टर्स, सिचुएशंस, सोशल मैसेज, सब कुछ इतना अनोखा था, इतना नया था कि ऑडियंस ने फिल्म को ब्लॉकबस्टर बना दिया. अब स्त्री 2 के साथ मेकर्स वही जादू क्रिएट कर पाते हैं या नहीं, देखना दिलचस्प होगा. लेकिन निश्चित तौर पर आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. इस बार फिल्म में स्त्री का सामना सरकटा से होगा, जो चंदेरी की लड़कियों को उठाकर ले जाता है. फॉर मी द ट्रेलर एंड वन रिलीज्ड सॉन्ग डिडंट क्रिएट मच हाइप, बट आई डोंट वांट टू जज द एंटायर फिल्म ऑन द बेसिस ऑफ फ्यू मिनट्स ऑफ प्रमोशनल कंटेंट. सो या 15 अगस्त का इंतजार रहेगा. नेक्स्ट इज द बकिंघम मर्डर्स. हंसल मेहता के डायरेक्शन में बनी इस क्राइम ड्रामा में दिखेंगी करीना कपूर खान. फिल्म 13 सितंबर को थिएटर्स में रिलीज की जाएगी. खास बात है कि लंदन फिल्म फेस्टिवल 2023 और मुंबई फिल्म फेस्टिवल में इसकी स्क्रीनिंग की जा चुकी है और फिल्म को काफी तारीफ भी मिली. करीना इज प्लेइंग रोल ऑफ अ डिटेक्टिव इन दिस फिल्म हु हैज रिसेंटली लॉस्ट हर चाइल्ड एंड उसे बकिंघम शायर में एक 10 साल के बच्चे का मर्डर केस सौंपा गया है. दिस फिल्म एक्सप्लोर्स द थीम्स ऑफ ट्रॉमा, ग्रीफ, द इमाइग्रेंट एक्सपीरियंस एंड आर नीड फॉर क्लोजर. I'm truly looking forward to see Kareena in a role like this. Hansal Mehta ke filmon ki apni ek chhaap hoti hai. The way he captures the emotion is brilliant. Plus unki kahaniyan intensely gripping hoti hain aur thought provoking hoti hain. Lihaza unki duniya mein Kareena ko dekhna, it would be interesting to see. Is list mein agli film hai Devra Part 1. RRR ke super success ke baad Junior NTR ki agli film aa rahi hai Devra. ये एक्शन ड्रामा 2 पार्ट में रिलीज की जाएगी. द फर्स्ट पार्ट विल कम इन थिएटर्स ऑन 27 सितंबर एंड सेकंड पार्ट को लेकर फिलहाल कोई जानकारी नहीं दी गई है. कोरताला शिवा के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म का टीजर रिलीज किया जा चुका है एंड इट्स जस्ट ब्रिलियंट. कुछ फिल्मों की पहली झलक ही आकर्षित कर लेती है, देवरा उनमें से एक है. टू बी ऑनेस्ट, आई लव जूनियर एनटीआर वर्क, द डेप्थ एंड द पावर इन हिज परफॉर्मेंसेस इज कमेंडेबल. सो यस, दिस इज वन ऑफ द फिल्म आई वांट टू वॉच फर्स्ट डे फर्स्ट शो. ये फिल्म तेलुगु के अलावा तमिल, कन्नड़, मलयालम और हिंदी में भी रिलीज होगी. जूनियर एनटीआर के साथ फिल्म में जानवी कपूर और सैफ अली खान मेन लीड कैरेक्टर्स में दिखेंगे. द नेक्स्ट फिल्म इन माई लिस्ट इज जिगरा. डायरेक्टर वसन बाला के इस अपकमिंग फिल्म में दिखेंगे आलिया भट्ट और वेदांग रैना. फिल्म 11 अक्टूबर को थिएटर्स में रिलीज की जाएगी. दिस फिल्म मार्क्स आलिया एंड वसन बाला's फर्स्ट ऑन स्क्रीन कोलैबोरेशन एंड ऑल्सो इस फिल्म से आलिया ना सिर्फ बतौर एक्टर बल्कि एक को प्रोड्यूसर के तौर पर भी शामिल है. आलिया एक दमदार एक्टर है और जिगरा में वो बिल्कुल अलग अंदाज में नजर आने वाली है. सो यस, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस. दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ सिस्टर्स लव फॉर अ ब्रदर एंड हाउ शी वुड डू एनीथिंग टू प्रोटेक्ट हिम. मुझे काफी उम्मीद है कि कंटेंट के मामले में ये फिल्म काफी दमदार साबित होने वाली है. नेक्स्ट फिल्म इज कंगुवा. दिस इज अ फैंटेसी एक्शन तमिल फिल्म डायरेक्टेड बाय शिवा, स्टारिंग सूर्या, दिशा पाटनी एंड बॉबी देओल. ये फिल्म 10 अक्टूबर को 10 भाषाओं में रिलीज की जाएगी. इट इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म्स ऑफ द ईयर विद बजट अराउंड 300 करोड़ एंड इट इन्वॉल्व्स अ स्टोरी दैट ट्रेवल्स 500 ईयर्स फ्रॉम 17th सेंचुरी टू 2023 अबाउट अ हीरो जिससे अपना एक अधूरा मिशन पूरा करना है. फिल्म में सूर्या अलग अलग लुक्स में नजर आएंगे एंड लेट मी टेल यू द तमिल वर्ड कंगुवा मीन्स अ मैन विथ पावर ऑफ फायर. हालांकि फिल्म के डायरेक्टर ने बताया है इसमें सूर्या के कैरेक्टर के पास कोई सुपर पावर नहीं है, बट दिस इज इन रेफरेंस टू द एंशियंट टाइम्स व्हेन वी यूज्ड टू वर्शिप फायर एंड द फिल्म यूजेस एलिमेंट्स फ्रॉम दैट. नो डाउट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस इमेजिनरी वर्ल्ड. और बता दें ये फिल्म 3D में रिलीज होने वाली है. सो या आई होप इट वुड गिव अस अ मेमोरेबल सिनेमेटिक एक्सपीरियंस. नेक्स्ट इज सिंघम अगेन. दिस फिल्म नीड्स नो इंट्रोडक्शन.
रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स की इस फिल्म का मुझे काफी बेसब्री से इंतजार है, एंड टू अ सर्टेन एक्सटेंट आई फील दिस कुड बिकम हाईएस्ट ग्रॉसर ऑफ बॉलीवुड दिस ईयर। इसकी एक वजह यह भी है कि फिल्म दिवाली पर रिलीज हो रही है, प्लस इस फिल्म के साथ रोहित शेट्टी अपनी पहली लेडी सिंघम शक्ति शेट्टी को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, जो निभा रही हैं दीपिका पादुकोण। अजय देवगन और दीपिका के अलावा फिल्म में करीना कपूर, जैकी श्रॉफ, अर्जुन कपूर और टाइगर श्रॉफ भी दिखने वाले हैं। वहीं अक्षय कुमार और रणवीर सिंह कैमियो में दिखेंगे। नो डाउट ये लार्जर देन लाइफ फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ा दिवाली धमाका साबित हो सकती है। फिल्म की कहानी के साथ भी काफी सीक्रेसी देखी जा रही है, लेकिन बता दें सिंघम अगेन की कहानी सूर्यवंशी के क्लाइमेक्स से जुड़ी होने वाली है। इसके बाद आती है भूल भुलैया 3। दिवाली के मौके पर ही रिलीज होने वाली है अनीस बज्मी की फिल्म भूल भुलैया 3। जी हाँ, थिएटर्स में एक तरफ सिंघम अगेन जैसी एक्शन फिल्म होगी, दूसरी ओर भूल भुलैया जैसी हॉरर कॉमेडी। ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि ऑडियंस किस फिल्म को फर्स्ट डे फर्स्ट शो के लिए चुनती है। आखिर दोनों ही फिल्में सक्सेसफुल फ्रेंचाइज का हिस्सा है। द मेन अट्रैक्शन फॉर मी इन भूल भुलैया दिस टाइम विल बी विद्या बालन एंड माधुरी दीक्षित। जी हाँ, कार्तिक और तृप्ति डिमरी के अलावा फिल्म में विद्या और माधुरी साथ दिखने वाली हैं, और दोनों के बीच एक डांस फेस ऑफ की भी चर्चा है। इस बार फिल्म में कार्तिक का कैरेक्टर यानी कि रूह बाबा मंजुलिका की आत्मा के पीछे की सच्चाई को सामने लाने वाला है, एंड आई थिंक दिस अमेलगमेशन ऑफ बोथ द पार्ट्स ऑफ भूलभुलैया विल बी एन इंटरेस्टिंग वॉच। इस साल अजय देवगन की अगली फिल्म होगी रेड 2। साल 2018 में अजय देवगन स्टारर फिल्म रेड की सीक्वल है रेड 2, एंड इट फॉलोज द रिटर्न ऑफ IRS ऑफिसर अमय पाठक हु ट्रैक्स अनदर व्हाइट कॉलर क्राइम। फिल्म 15 नवंबर को रिलीज होने वाली है, हालांकि इसके पोस्टपोन होने की भी रिपोर्ट सामने आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल ऑफिशियली कोई अनाउंसमेंट नहीं की गई है। राजकुमार गुप्ता के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में अजय देवगन के साथ वाणी कपूर, रितेश देशमुख, सौरभ शुक्ला जैसे कलाकार दिखेंगे। आई लाइक अजय देवगन इन दिस काइंड ऑफ सीरियस नो नॉनसेंस रोल, एंड आई होप पहली फिल्म रेड की तरह इस क्राइम ड्रामा की कहानी भी उतनी स्ट्रॉन्ग और एंगेजिंग होगी। नेक्स्ट इज पुष्पा 2 द रूल। नॉर्थ हो या साउथ, कोई शक नहीं कि हर इंडस्ट्री को इस फिल्म की रिलीज का बेसब्री से इंतजार है। ऑडियंस के बीच पुष्पा 2 को लेकर जबरदस्त क्रेज है, और अभी से ही मान लिया गया है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ सफलता हासिल करेगी। दिस मोस्ट अवेटेड सीक्वल इज शेड्यूल्ड टू बी रिलीज ऑन दिसंबर 6 दिस ईयर। फिल्म में अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और फहाद फासिल मेन लीड रोल्स में होंगे। सुकुमार के डायरेक्शन बनी इस एक्शन थ्रिलर में इस बार पुष्पा और भंवर सिंह शेखावत के बीच की टक्कर देखने को मिलेगी। पुष्पा 2 पहले 15 अगस्त को रिलीज होने वाली थी, लेकिन फिल्म के VFX पर काम खत्म नहीं हो पाया, जिस वजह से इसे पोस्टपोन कर दिया गया। पुष्पा की कहानी से जिस तरह हर क्षेत्र की ऑडियंस ने रेजोनेट किया और जिस पॉइंट पर उसका क्लाइमेक्स रखा गया था, इट क्रिएटेड अ मैसिव हाइप फॉर द सेकेंड पार्ट ऑफ द फिल्म। ऑल्सो द स्केल ऑफ द सेकेंड पार्ट विल बी मच लार्जर देन द फर्स्ट पार्ट। पहली फिल्म में जहां हमने पुष्पा के सबसे बड़े तस्कर बनने की कहानी देखी कि किस तरह वो लाल चंदन की स्मगलिंग करता है, सीक्वल में हम उसे अपना एम्पायर रूल करते देखेंगे। पुष्पा 2 के साथ ही 6 दिसंबर को थिएटर्स में आ रही है छावा। विकी कौशल इज वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड एक्टर्स वी हैव। ही सरप्राइज्ड अस विद मेनी ऑफ हिज वर्क, मसान से लेकर राजी, संजू, सरदार उधम, सैम बहादुर, कोई भी फिल्म आप ले लें, लिहाजा उनकी फिल्मों से एक उम्मीद तो रहती है। छावा एक पीरियड ड्रामा फिल्म है, जिसमें विक्की छत्रपति शिवाजी महाराज के बड़े बेटे छत्रपति संभाजी महाराज का किरदार निभाते नजर आएंगे। फिल्म में विक्की के साथ रश्मिका मंदाना, अक्षय खन्ना, आशुतोष राणा जैसे कलाकार हैं, और डायरेक्ट कर रहे हैं लक्ष्मण उदेकर। विक्की हिमसेल्फ इज वेरी एक्साइटेड अबाउट द फिल्म एंड कंसिडर्स दिस हिज मोस्ट प्रॉमिसिंग फिल्म। फिल्म से रिलेटेड अब तक जितनी भी तस्वीरें और जानकारी बाहर आई है, नो डाउट उससे फिल्म को लेकर मेरी उत्सुकता काफी बढ़ चुकी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्रिसमस के मौके पर आ रही है सितारे जमीन पर। लाल सिंह चड्ढा के बाद ये आमिर खान की अगली फिल्म होने वाली है। RS प्रसन्ना के डायरेक्शन में बन रही इस फिल्म में आमिर के साथ जेनेलिया दिखेंगी। एज पर द नेम सजेस्ट, यस इट इज रिलेटेड टू आमिर तारे जमीन पर, लेकिन ये सीक्वल नहीं है। आमिर खान ने एक इंटरव्यू में इस फिल्म को तारे जमीन पर का नेक्स्ट लेवल बताया है। इट इज लाइक पार्ट 2, बट इट इज नॉट द सेम स्टोरी एंड द कैरेक्टर्स आर ऑल्सो नॉट द सेम। साल 2007 में आई तारे जमीन पर ने डिसलेक्सिया पर बात की थी, वहीं रिपोर्ट्स के अनुसार सितारे जमीन पर विल रिवॉल्व अराउंड डाउन सिंड्रोम। नो मैटर आमिर खान की पिछली कुछ फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर कैसा बिजनेस किया, आई वुड स्टिल बी इंटरेस्टेड टू सी व्हाट द एक्टर हैज नेक्स्ट टू ऑफर अस। इन फिल्मों के अलावा सम मूवीज आई थिंक दैट कैन क्वाइट सरप्राइज अस विद इट्स कंटेंट आर थंगलान, मेट्रो इन दिनों, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, बेबी जॉन, स्काई फोर्स एंड इमरजेंसी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कांतारा 2 इज नियर कंप्लीशन और फिल्म अब 2024 नहीं बल्कि 2025 में रिलीज होगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। इफ यू लाइक माई कंटेंट प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।